हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकता खराडेज किचन। आज की रेसिपी है एगलेस बटरस्कॉच केक। अगर आप इस रेसिपी से केक बनाएंगे तो आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम एक बाउल में 3/4 कप दही लेंगे। हमें दही यहाँ पर ज़्यादा खट्टा नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने जो मेजरिंग कप्स यूज़ किए हैं वो 250 ml के यूज़ किए हैं। उसके बाद अब हम 1 कप पिसी हुई चीनी उसमें डालेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे 1 मिनट के लिए। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1 tsp बेकिंग सोडा ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार वापस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण को अब हम 3 से 4 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें छन्नी रखेंगे और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 + 1/3 कप मैदा लिया है, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 चुटकी नमक और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से छान लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने के बाद इन्हें हम जस्ट एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि सब इंग्रेडिएंट्स एक बार वापस मिक्स हो जाए। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स का बाउल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये मिश्रण अब कितना फूला फूला सा लग रहा है। इसमें अब हम 1/2 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमें धीरे धीरे ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। हम बटरस्कॉच केक बना रहे हैं इसीलिए हम 1 tsp बटरस्कॉच एसेंस डालेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस मिश्रण में बैचेस में ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इस मिश्रण में अब हम 1/3 कप दूध ऐड करेंगे। दूध भी हमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और मिक्स करते जाना है। तो अब ये केक का बैटर रेडी है। यहाँ पर मैंने 7 इंच का केक मोल्ड लिया है। इस टिन को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया है और नीचे बटर पेपर लगा दिया है। इस केक के बैटर को अब हम इस मोल्ड में डाल देंगे और 3-4 बार जस्ट टैप करेंगे ताकि जो एयर बबल्स हो वो निकल जाए। और इस केक को अब हम 170 डिग्री पे ओवन में 30-40 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम कैरेमल सॉस बना लेंगे। यहाँ पर मैंने गैस को ऑन किया है, उसके ऊपर एक कढ़ाई रखकर उसमें अब हम 1/2 कप चीनी लेंगे। इस चीनी को हमें कैरेमलाइज करना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर आपको मीडियम ही रखना है। चीनी अब धीरे धीरे कैरमलाइज होने लगी है। आप देख सकते हैं कि ये चीनी अब पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को एक बार वापस मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1/2 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। यहाँ पर मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम यूज़ किया है। फ्रेश क्रीम को ऐड करते समय थोड़ा सा केयरफुली ऐड कीजिएगा और गैस की फ्लेम को एकदम ही लो रखिएगा। सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को इमीडिएटली ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। कैरेमल सॉस अब रेडी है। अब हम प्रैलिन्स बनाएंगे। प्रैलिन्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज के कप में 1 कप चीनी ली है। इसे भी हमें कैरेमलाइज करना है, यानी कि मेल्ट करना है। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम ही रखना है। तो अब चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें चॉप किए हुए बादाम ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कैश्यू नट भी ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के बाद तुरंत गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक स्टील की प्लेट को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इस मिश्रण को इस प्लेट के अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद अब हम इस मिश्रण को 1/2 से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये प्रैलिन्स कैसे बने हैं। तो थोड़ा नाइफ से मैंने इसे इसके साइड्स को थोड़ा सा लूज कर लिया है तो ये इजीली निकल आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़े से टाइट है तो आप कुछ सेकेंड्स के लिए इस प्लेट को
गैस पर रख सकते हैं तो ये प्रालिन्स आपके इजीली निकल आएंगे। अब इन प्रालिन्स को हमें क्रश करना है, तो आप चाहे तो इस मेथड से इसे क्रश कर सकते हैं या फिर आप जिपलॉक की बैग में उसे डालकर भी क्रश कर सकते हैं। तो अब ये एगलेस बटरस्कॉच केक के लिए प्रालिन्स रेडी है। हमारे पास कैरेमल सॉस भी रेडी है और प्रालिन्स भी रेडी है। अब केक भी ठंडा हो चुका है, अब हम इस केक को डीमोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये केक कितना इजीली डीमोल्ड हुआ है और ये केक कितना ब्यूटीफुली भी बेक हुआ है, और ये केक परफेक्ट स्पॉन्ज है आइसिंग के लिए। इस केक को अब हम 3 लेयर्स में कट करेंगे। आप चाहे तो इसे 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। इस केक को अब मैंने लेयर्स में कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1 कप व्हिपिंग क्रीम लेंगे। यहाँ पर मैंने नॉन डेरी व्हिपिंग क्रीम ली है और इसे हम बीट करेंगे जब तक इसके स्टिफ पिक्स ना बन जाए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्रीम के स्टिफ पिक्स बन चुके हैं। तो यहाँ पर हम व्हिप करना अब स्टॉप कर देंगे। आप चाहे तो स्पैचुला पर लेकर भी स्पैचुला को उल्टा कर देख सकते हैं। अब हम केक की फ्रॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने जो मिडल वाला लेयर होता है वो यहाँ पर पहले रखा है। अब हम इस लेयर को शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए 2 टेबलस्पून शुगर लेंगे और 2 टेबलस्पून पानी लेंगे। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तो शुगर सिरप बन जाएगा। अब हमने जो क्रीम को व्हिप किया था वो अब हम इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। क्रीम के बाद हमने जो प्रालिन्स बनाए थे वो अब हम इसके ऊपर थोड़े से डाल देंगे और ऊपर से और थोड़ा सा कैरेमल सॉस और ऊपर से और थोड़ी सी क्रीम को डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसके बाद हम केक का जो टॉप लेयर होता है वो अब हम इसके ऊपर रख देंगे। सेकेंड लेयर के लिए भी अब हम सेम प्रोसीजर को ही फॉलो करेंगे। अब हम केक का लास्ट लेयर भी ऊपर रख देंगे और उसे भी अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम से कोट कर लेंगे। इस केक की अब हम क्रम्ब कोटिंग करेंगे, यानी थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम पहले लगा देंगे और केक को फ्रिज में 1/2 से 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो अब केक की क्रम्ब कोटिंग हो चुकी है, अब मैं इसे फ्रिज में 1/2 से 1 घंटे के लिए रख दूंगी। 1 घंटे के लिए मैंने इस केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। अब हम इस केक को केक बोर्ड के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। इस केक को अब हम फाइनल फिनिशिंग देंगे। तो हम वापस इस केक को ऊपर से अच्छी तरह से व्हिपिंग क्रीम से कोट कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसे कोई स्क्रैपर हो तो आप उससे भी साइड्स को अच्छी तरह से फिनिशिंग दे सकते हैं। इस केक का अब फिनिशिंग करके हो चुका है, तो अब हम इसके साइड्स में थोड़ी सी डिज़ाइन करेंगे। मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा ब्रश लिया है, इसे अब हम केक के साइड्स पे डिज़ाइन करेंगे और केक के टॉप पर भी। तो आप देख सकते हैं कि हमने बिना कोई यहाँ पर नोज़ल यूज़ किए हुए ये डिज़ाइन बनाई है। आप चाहे तो केक के ऊपर आपके पसंद की आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार नोज़ल यूज़ किया है, उसे अब हम ऐसे बीच में स्टार्स बनाते जाएंगे। हमने जो कैरेमल सॉस बनाया था उसे अब हम थोड़ा सा साइड्स में ड्रिप करेंगे और केक के टॉप पर भी उसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। केक को और थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाने के लिए हमने जो प्रालिन्स बनाए थे वो अब हम केक के साइड्स में लगाएंगे। आप इस केक को थोड़े से चेरी से और थोड़े से एडिबल बीड से भी डेकोरेट कर सकते हैं, तो ये केक और भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि हमारा बेकरी स्टाइल बटरस्कॉच एगलेस केक रेडी है। अब हम इसे 4 से 5 घंटों के लिए फ्रिज में सेट करने के लिए रख देंगे। ये केक अब अच्छी तरह से सेट हो चुका है, तो चलिए अब हम इसे कट कर देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथली कट हो रहा है, यानी कि ये केक अंदर से कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है।
तो आप देख सकते हैं कि इसके लेयर्स भी हमें कितने परफेक्टली दिखाई दे रहे हैं। आप इस बटरस्कॉच एगलेस केक को बनाकर कोई भी ओकेजन में किसी को भी सरप्राइज दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जाइए और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू।